नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुकेश हेल्प। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांवड़ यात्रा पहले ही रद्द हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर प्रशासन की ओर से कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं जो कि सोमवती अमावस्या में होने वाले स्नान से संबंधित हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। ये जानकारी आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको किसी प्रकार की मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे पहले शुरू करें, मेरी आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इस चैनल में हरिद्वार, ऋषिकेश और चार धाम यात्रा की सभी जरूरी जानकारी मिलती है। अब शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार आकर सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान करने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लें। जिला अधिकारी सी रविशंकर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदई के साथ आगामी 19 और 20 जुलाई को पड़ने वाले सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया। डीएम ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कहा कि सोमवती अमावस्या पर जनपद की सभी सीमाओं को पूर्णतः सील रखा जाएगा। सोमवती अमावस्या पर भी श्रद्धालुओं को गंगा स्नान की इजाजत नहीं होगी। एक दिन पहले ही जिले की सीमाएं सील कर हर की पौड़ी के इलाके को प्रतिबंधित किया जाएगा। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि सोमवती अमावस्या पर किसी भी प्रकार के यात्री और स्थानीय लोगों के गंगा घाटों पर स्नान की अनुमति नहीं रहेगी। इसका मतलब यही है कि गंगा घाटों पर स्नान प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ साथ डीएम ने कहा कि निगरानी के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा सभी आदेशों का पालन सख्ती से कराया जाए। इसके साथ साथ स्थानीय मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। दोस्तों, ये कुछ अहम फैसले लिए गए हैं जिसकी जानकारी आपको देना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि सोमवती अमावस्या पर लाखों श्रद्धालु हरिद्वार गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं ताकि वो किसी भी प्रकार की मुसीबतों से बच सकें। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुँच सके। वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। इसी तरह की हरिद्वार और ऋषिकेश से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।